आज अभ्यास मंडल ने भले ही विकल्प के तौर पर फिर भी आपने हमें याद किया। इंदौर नगर निगम कमिश्नर के हैसियत से या इंदौर कलेक्टर के हैसियत से अभ्यास मंडल से बहुत अच्छे से परिचित होने के नाते भी, और यहाँ पर इस सभागार ने कई बार आप लोगों के साथ में और कई मौकों पर आपके साथ काम करने का मुझे जो मौका मिला था, उस तारतम्य में भी जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई तो आपको आना है, तो मैंने स्वीकार किया कि हो सकता है कि भविष्य में विकल्प के रूप में भी ना देखा जाए हमको, इससे अच्छा इससे पहले तो विकल्प के रूप में देखा जा रहा तो आजमाना ही चाहिए। यह प्रतिष्ठित बहुत ही प्रतिष्ठित व्याख्यान माला है और मैं बहुत सीरियस बातें भी नहीं करूंगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक को खत्म कर देगा, आप देखिए अभी जैसे मैं जनसंपर्क आयुक्त हूं, अब हमारे पास जो है टीवी चैनल्स का कोई रिक्वेस्ट नहीं आता है, टीवी चैनल का इंपैनलमेंट या फिर एडवर्टाइजमेंट्स का नहीं आता है, सब हम ऑनलाइन चैनल है। मैंने बोला ऑनलाइन चैनल क्या होता है, सब देखो ये जो टीवी चैनल है ना, इसके लिए हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेना है, अप लिंकिंग डाउन लिंकिंग ये लिंकिंग वो लिंकिंग ये सब हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम जो है जो भी चैनल चलाते हैं ऑनलाइन चलाते हैं, तो भविष्य का जो है चैनल आप लोग देखना, ये जो जितने टीवी चैनल चलेंगे सब खत्म हो जाएंगे, ये तो आपको जो मोबाइल पे ही देखना है, घर पे अगर आप टीवी रखा है तो उसमें भी जो है नेट इंटरनेट वाईफाई इसी पे देखने को मिलेगा। अमेरिका में प्रिंट मीडिया मतलब इतना फास्ट खत्म हो रहा है, इतना फास्ट प्रिंट मीडिया को मतलब लगभग लगभग 10% एवरी ईयर नीचे जा रहा है। तो तीसरा जो मीडिया जितना तेजी से कवरेज कर रहा है तो वो हमारे जीवन को और प्रभावित करेगा, लेकिन इन सभी चीजों के आने के बावजूद भी जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे लिए चिंताजनक है वो है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। मीडिया की आवश्यकता जो है कि नहीं इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मीडिया के बिना जो है ये हमारा जो जीवन है वो वैसा ही है जैसे नदी जैसा है, जिसके ऊपर मैं जहां आ रहा हूं। सदियों से तेरे किनारे जीवन का है खजाना, तू बहना यूं ही बहना, ये धरती सजल कर बहना, तू देश के कंधे का है नीला दुशाला। अभ्यास मंडल ने बहुत अच्छा प्रयास किया था काम नदी का, उस समय मैं कलेक्टर बन के आया था, आप लोगों के साथ में कुछ समय काम करने का मुझे मौका मिला और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज कान नदी का बहुत कुछ काम भी चल रहा है। तेरे लहरों में जीवन की आहट मिले, तेरी बूंदों से दुनिया की आंसू धुले, नदियां नहीं नद कहे तुझको कभी क्रोध ना दिखलाना, तेरे सदियों से जारी है बहना, तुझे क्या क्या नहीं सहना पड़ा। मैं वहीं आ रहा हूं, हैदराबाद से मेरा पहला पोस्टिंग मध्य प्रदेश में हुआ तो छिंदवाड़ा, तो पेंच नदी का पानी पीने का मौका मिला। उसके बाद डबरा ट्रांसफर हुआ तो सिंध नदी, वहां से हम मऊ भी आए चंबल नदी, फिर वहां से हम इंदौर नगर निगम कमिश्नर बने नर्मदा नदी। उस दौरान हम नदी का पानी नर्मदा नदी का पानी इंदौर लाए थे, तो लाते लाते भी पी लिए थे। फिर भोपाल पहुंचे, फिर एक बार नर्मदा नदी, फिर एक बार छिंदवाड़ा गया और सिवनी पेंच नदी, वहां से सिंगरौली जाने का मौका मिला तो सोन नदी,
वहां से फिर ग्वालियर गए हम, तिगरा और चंबल नदी का पानी पिया, और चंबल नदी का पानी पी के फिर नर्मदा में ही आना पड़ा वापस, जहां नर्मदा का चंबल नदी का उद्गम स्थल है इंदौर। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी मीडिया के क्षेत्र में वो है समाचार। सब समाचार पढ़ना चाहते हैं, न्यूज समझना चाहते हैं, रोज क्या हो रहा है अपने इर्द गिर्द, देश विदेश प्रदेश सबका क्या हो रहा है। और सेकंड है व्यूज, विचार, एनालिसिस बेस्ड विचार। ये जो विचार व्यक्त होता है किसी भी चीज, किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में जो विचार व्यक्त हो रहे हैं उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। और तीसरा जो अभी सोशल मीडिया और ये जो मीडिया आ गया है फटाफट धनाधन ब्रेकिंग। अभी मैं देख रहा था कि वो चुनाव डिक्लेयर होने वाले थे, कल चुनावों का डिक्लेयर, चुनाव रिजल्ट आने थे, टीवी चैनल पे आपका धड़कन तेज हो गया होगा, मतलब किसी का धड़कन जो है तेज कब होता है। अब ठीक है, दो तीन मिनट के लिए धड़कन तेज हो गया तो ठीक है, कल तक आपका धड़कन तेज रखिए कि बिना हमें अपना जीवन को देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस दौर में, ये जो इंपॉर्टेंट दौर चल रहा है, इस दौर में जो है विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि विश्वसनीयता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में ये जो विश्वसनीयता वाली जो बात है इस पे हम सबको चिंता करने की आवश्यकता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।